कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमें अपना प्यार दिखाते रहे। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी राजधर्मा न्यूज से, आइए मिलके देखते हैं ये जबरदस्त वीडियो। हल्द्वानी में जो चल रहा है मामला, उस पे नई अपडेट क्या है, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप लोगों का मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूं, इधर से बात करना है आप लोगों को। हाँ, थोड़ा सा बात करेंगे। कहाँ से बात करेंगे? इधर से। अरे ये तो बंद है, कहाँ से बात किया जाए? इधर आइए चाचा, इधर आइए दो मिनट, इधर आइए। क्या नाम है आपका? फरियाद नाम। फरियाद, कहाँ से आए आप यहाँ पर? हम तो बहुत साल से यहीं रह रहे हैं। कितने साल से? कम से कम 40-45 साल। 40-45 साल हो गए रखते रहते। 40-45 साल? हाँ, यहाँ तो बहुत टाइम हो गया। रेलू की तो जमीन है। रेलू की जमीन है? तो रेलू की जमीन ही है। तो फिर खाली करने में क्या दिक्कत है? खाली करने कहाँ जाए फिर? अब हमारी जन्म भूमि यही की, हम कहाँ जाए? जल बच्चे की जन्म भूमि यही की, बच्चे की पैदाइश यही की। हमारी उम्र है 60 साल। और आप 40 साल से यहाँ पर आए, तो जन्म भूमि तो कहीं और होगी ना? बहुत आदमी हमारे दादा के दादा यही रहते थे पहले से। अच्छा, ये सब हुआ? अच्छा चाचा, इधर से दो मिनट आइए ना। क्या नाम है चाची आपका? बताइए क्या बात है? कोई चुरेली चूस नहीं था। देखो कैसे जो है वो उनको खींच। अच्छा, देखो यहाँ गलबा हो रहा है, यहाँ गलबा हो रहा। हम लोग गरीब आदमी डर डर के मर रहे हैं, भूखे प्यासे, बच्चे छोटे छोटे भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाएं? कोई वो कोठी बिंडी लो, हम भी गरीब आदमी कहाँ जाएं मरने को? यहाँ पड़े हैं, दिखा रहे पी रहे, भूखन मर रहे, प्यासन मर रहे। देखो पानी भी नहीं नसीब हो रहा, खाना भी हम लोग बाहर के चुगने वाले हमको बर्दाश्त नहीं, और लकड़ी सामान आटा चावल कहाँ से लाएं? रेलवे वाले तो कह रहे कि जमीन खाली करनी पड़ेगी। कितने दिन में कार्रवाई किस लिए की है? मदरसा अवैध मदरसा वगैरह बना हुआ है। हाँ, यही तो क्या हो गया, खाली कर देंगे, हम गरीब आदमी पड़े रहेंगे रोटों पर। ये पत्थर उत्थर कहाँ से आ जाता है छतों पर? हमारे वाले कोई नहीं चलाते, कोई हमारे बदनाम करते हैं हमारे वाले। हम तो लोग डरते, ऐसे कोई हड़काया भगो, हम लोग छुपके ऐसे खड़े हो जाते उसकी तरह, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं हमारे बच्चे छोटे छोटे। क्या इतना करिश्मा कर देती है चाची? सोचिए, जब नहीं डरती होंगी तो कितना करिश्मा कर देती है? हम डर की वजह से इतना कौन सा करिश्मा करा बताइए आप? पुलिस वाले यहाँ खौफ में खाए पड़े हैं, सूट एंड साइड का ऑर्डर देना पड़ा उनको। तो हम पुलिस वाले के साथ कोई गलती नहीं कर रहे, क्यों सूट एंड साइड करो? गरीब आदमी कहाँ जाए? बच्चे ना हमारे घर, ना मकान, ना टट्टी, ना बाथरूम, कुछ भी नहीं है। अभी हमारा रोटों के तो काम है, पेशाब कर लेते, बच्चे को टट्टी फिरा लेते, और क्या? हम किसी के साथ जोर जुल्म नहीं करते हैं, और क्या? अगर हम जोर जुल्म करते बाहर क्यों रहते हैं? बंगले सारे पुलिस वाले घायल कैसे हुए? अब हमको क्या मालूम, हम तो गरीब आदमी, हम तो सो रहे थे अपने अपने घर पे। हम हॉस्पिटल में थे बहू को लेके, हमको यहाँ की पता कोई खबर ही नहीं हुई। यहाँ पे कैसे पत्थरबाजी कैसे चली यहाँ पर, हमें क्या मालूम, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम। हम कोई घूमने गए हो, फिरने गए, टहलने गए हो, कहीं गए हो, तो हमको पता, उनको पता है जो झगड़ा लफड़ा कराते उनको पता होगा। बताइए, वो चाचा मुझसे बात करे थे, उनको पीछे कर दिया, आपको आगे कर दिया? कौन उसको बात नहीं आती, वो तो तबीयत, वो उनकी बात नहीं आती, ऐसे साथ चलती उनको। ज्यादा समझदार है क्या? औरतों भी समझदार, आदमी भी समझदार, और कैसे बढ़ गए? नहीं नहीं, वो मुझसे कहा, सांस भरती है इसकी तबीयत, ये सब मुझसे कहा कि आप ही बात करो, आप ही बात करो, मैं करे बात। प्यासन मर रहे, पानी नहीं है क्या? अब ये कहाँ से इनको तो कुछ लोग फिर कहेंगे चल पत्थर चलाने से पहले सोचना था कि ये पानी कहाँ से भरे? क्या ढोलो काले चला, हमें हमारी क्यों औकात है पुलिस को पत्थर मारेंगे? हम क्यों मारेंगे? हमारी औकात क्या है? इतनी दूर से कैच नहीं कर पाएगा। क्या अंदर आना चाहती थी, लेकिन ढोलक बजती थी तो नहीं चलाया। दीदी हमारी इतनी औकात क्या है? इतनी औकात क्या है पुलिस को मारने के लिए? हम कौन मार दिया पत्थर फिर? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं? पुलिस वालों को हमारी औकात है इतनी? हम खुद ही झोपड़ी झुग्गी वाले बन रहे, हमारा कबाड़ बंद हो गया।
कि हम क्या खाए बच्चे लोग, ये सब क्या किया। यहाँ पर बच्चे बच्चे बोल रही है, इनको ट्रेंड किया है क्या? ये बच्चे बच्चे बोलने के लिए आगे आ रहे हैं। हट जा बच्चे, हट जा बच्चा, तुम धाबलम पर जा। सर दीदी हम ऐसा नहीं कर सकते, लगे थोड़ी ना है जो चल जाएगी गोली। हम दीदी ऐसा नहीं कर, हम चाहते कि ये दुनिया पे झगड़ा लड़ाई मत ना हो। हमारा कहना ये, या भगवान हुआ या अल्लाह हुआ, सबसे दुआ करते कि हम लोग मिलान करके मोहल्ला ये टोला ये दुनिया हिंदुस्तान खाए। हम यही दुआ करते हैं। मेरा नाम कटोरी, कटोरी चम्मच, यही नाम है कटोरी चम्मच नाम है। अच्छा, हम यही सोचते हैं गरीब आदमी हम लोग, हम जहाँ कहाँ दुनिया ये मिल के खाए, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए मिल के खाए, यही दुआ मांगते हैं भगवान अल्लाह। उस दिन भी जब मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें भी मैंने ये देखा था कि औरतें बच्चे सामने आ रहे थे, मर्द पीछे थे, ऐसा क्या स्ट्रेटजी है? ऐसा ये कह रहे कि किसी से झगड़ा, हमारे आदमी लोग डरते हैं, हम लोग बच्चे आदमी हम लोग डरते हैं, इसलिए हम लोग ये डरते हैं ऐसा ना हमारे बच्चे आदमी को। देखो हमारा करोड़ों का माल पड़ा ढोलक का, देखो तो हर दर गली ठोकर खा रहे हैं, इसलिए डरते हैं कैसे नो आदमी को कोई चोट मोट लग जाएगी, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। आप लोग वो पत्थर पेट्रोल पंप वाला साथ में मिल करके करते हैं कि उसमें? ये हमने कभी नहीं सोचा दीदी, ये इंजाम लगाया, ये झूठा इंजाम हमारे ऊपर रखा गया। हम इस वाले झूठ बोल रहे, पुलिस वाले झूठ बोल रहे, बोल रहे सब। हम ढोलक वाले ऐसा कब, हम लोग ढोलक वाले इतने समझदार, इतने अकल वाले, ये दुआ करते हैं हमारे भाई बोलते हैं। अब भाई हिंदू एक हमारे भाई है, हम किसी को बुरा नहीं समझते, सब हमारे भाई है। चलिए ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरीके से औरतों को और बच्चों को आगे किया जा रहा है, और सारा ब्लेम गेम जो है वो पुलिस वालों पर ही लगाया जा रहा है कि पुलिस वालों ने जो ही है वो इन लोगों के पर अत्याचार किया। आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि कैसे औरतें और महिलाएं जो हैं वो वीडियो में आगे आ रही हैं आगे बोलने के लिए। पहले मेरे साथ एक पुरुष बात कर रहे थे लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको पीछे कर दिया गया, और यहाँ पर महिलाएँ और बच्चे जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम ढोलक वाले हैं, हम हिंदुस्तान में एकता की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, ये ऐसी बातें आप हर जगह देखने को सुनने को आपको मिलेंगी। लेकिन जहाँ पे इन लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, चाहे मैं नूह की बात करूँ चाहे मैं हल्द्वानी की बात करूँ, हर जगह हमें एक ही तरीके का सीन जो है वो देखने को मिलता है। ये राजधर्म के माध्यम से मैंने आपको टीवी के लैंग्वेज में बोलें तो एक्सक्लूसिव दिखाने का प्रयास किया है। जब हल्द्वानी की घटना हुई, पुलिस वालों पर पथराव हुआ, इन लोगों के पेट्रोल बम फेंका गया, उसके बाद की घटना मैंने आपको दिखाई। मैं इलाके के अंदर तो नहीं जा पाई लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इलाका देखिए कि किस तरीके का इलाका है। आशुतोष थोड़ा सा जूम कीजिए और जो आप लोग देख रहे हैं वो सोचिए कि पुलिस वालों की क्या परिस्थिति उस समय हुई होगी जब वो इसके अंदर गए होंगे। तब क्या परिस्थिति हुई होगी जब उसके अंदर गए होंगे, आप दिखाइए इलाका। आशुतोष थोड़ा बच बचा करके, थोड़ा सा बच बचा करके आप दिखाइए। आप आकाश थोड़ा एक्साइटेड मत होइए, पीछे हो जाइए। आप थोड़ा दिखाइए आशुतोष कि क्या परिस्थिति पुलिस वालों को हुई होगी। आप थोड़ा सा इलाके में और जूम करके दिखाइए कि क्या परिस्थिति यहाँ पर हुई होगी जब पुलिस वाले अंदर गए होंगे तो, और जब ऊपर से पूरा इनके ऊपर पथराव हो रहा होगा, कई लोग मतलब पेट्रोल बम भी मैंने सुना कि ऊपर से फेंके जा रहे थे और तमाम तरह की फायरिंग्स भी हो रही थी, तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा जब यहाँ पर पुलिस वाले इनके बीच में फंसे होंगे तो। सोचिए अब ये कुछ लोग अगर मुझसे बात करना चाहें तो, अगर मैं बात कर पाऊँ तो, क्योंकि पूरी तरीके से बैरिकेडिंग से इनको सील कर रखा है, कहीं ना इनको आने दिया जा रहा ना जाने दिया जा रहा। देखिए ये पूरा जो है वो इनको बैन कर रखा है, मतलब पूरी तरीके से बैरिकेड कर रखा है, और वहाँ पे जो है वो पुलिस की जगह जगह पुलिस की चौकी भी लगी हुई है ताकि मतलब कोई भी यहाँ से आ ना जाए, कोई जा ना पाए, ना कोई आ पाए, किसी तरीके की हलचल ना हो। पूरी तरीके से अभी पूरी तरीके से यहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएँ पूरी तरीके से बंद हैं। ये मैं आपको इलाके का जायज़ा दिखा रही हूँ कि अभी सीन सोचिए 8 फरवरी को क्या सीन रहा होगा जब ये हमारे देश के रक्षक जब इनके बीच में गए होंगे और ये भक्षकों की तरह ये लोग उनको नोच रहे होंगे, तो क्या सीन रहा होगा जब इन लोगों ने किया। तो इनकी जनसंख्या जो ये लोग कहते हैं कि ये जनसंख्या इन लोगों की ताकत है, तो देखिए इस तरीके की जनसंख्या आप देख रहे हैं कि क्या इलाका है, पूरा भरा पड़ा है वो इलाका। और सोचिए अगर ऐसा ही पूरा इलाका है जहाँ पे पूरा पत्थरबाजी हुआ, ये पूरा इलाका जो है वो काफ़ी काफ़ी विस्तार में ये पूरा इलाका फैला हुआ है, और ये ऐसा ही इलाका है। और ये दिखाइए ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है और ये पूरा जो है वो रेलवे की ज़मीन है, पूरी रेलवे की ज़मीन है। शायद इनको जो इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है वो रेलवे के थ्रू ही मिलती है, और जो पानी जो इनको पीने की सुविधा है शायद, मैं इसमें पूरी तरीके से अभी कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने भी किसी से पूछा, किसी अधिकारी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको बिजली भी
रेलवे के द्वारा प्राप्त होती है, पानी पीने की जो सुविधा वो भी रेलवे के द्वारा प्राप्त होती है, और ज़मीन भी इनकी जो है वो नज़ूल की है, मतलब गवर्नमेंट ज़मीन है, उसके ऊपर इन लोगों का अतिक्रमण है। और अतिक्रमण पर भी देखिए कितने आलीशान जो इन लोगों ने बिल्डिंग्स बना रखी हैं, वो भी ज़रा आप एक बार गौर कीजिए, नज़र डालिए कि ये स्थिति होती है जब आप सरकारें जब सही वक्त पर फैसला नहीं लेते हैं और अतिक्रमण वाले ज़मीन को जब ये लोग अपना बनाते हैं, और जब इनसे कोई दूसरी सरकार आती है जब वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का प्रयास करती है, तो इस तरीके का हाल जो है वो पुलिस वालों के साथ किया जाता है। और थोड़ा सा जो है मैं कोशिश, जो देखो बच्चा नीचे से देख रहा है कि क्या कुछ है, थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं पुलिस वालों को कोई वो ना हो, कहीं ऊपर से हमें भी डर है कि कहीं ऊपर से पत्थर ना कुछ आ जाए, क्योंकि पूरी प्लानिंग मैंने सुना कि पूरी तरीके से प्लानिंग थी यहाँ पर, छतों के ऊपर से पत्थर आप तो जानते ही हैं, चाहे नूह की बात हो ले कि कर लूँ मैं, या फिर मैं हल्द्वानी की बात कर लूँ, या मैं दिल्ली दंगों की बात कर लूँ, तो मैं तो हमेशा ये सुनती हूँ कि छतों के ऊपर इनके पत्थर, पेट्रोल बम। आपको याद है दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के छत पर वो एक ऐसा गुलेल मिला था जहाँ से वो यूज़ करता था पेट्रोल बम को फेंकने के लिए, तो इनके छतों के ऊपर पता नहीं कहाँ से पहले से ही अरेंजमेंट्स होते हैं, वो तो पता नहीं, शायद इनको उस तरीके से ट्रेन किया जाता है, उस तरीके से बताया जाता है कि पहले से इनके छतों पर पत्थर, पूरी व्यवस्था जो है, पूरी अरेंजमेंट्स किसी भी हरकत को होने से पहले इन लोगों के पास पहले से ही मिलती है। और मैं बायस होकर नहीं बता रही, मैंने तमाम दंगे देखे, मैंने दिल्ली दंगा देखा, मैंने नूह का दंगा देखा, फिर मैंने अभी हल्द्वानी को देखा, और मैं अभी ज्ञानव्यापी में थी, ज्ञानव्यापी से डायरेक्ट मुझे हल्द्वानी आना पड़ा, यहाँ पर मैंने कवरेज किया और इलाका मैंने आपको दिखाया कि ये कैसी तस्वीर है, इलाके की कैसी तस्वीर है। जब यहाँ पर पुलिस वाले फंसे होंगे तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा, और जब कंट्रोल नहीं हुआ पुलिस वालों की तरफ से, तब जाके सरकार की तरफ से शूट एंड साइट का जो है वो दंगाइयों के ऊपर ऑर्डर मिला कि भैया जहाँ आपको दिखे कि इन लोगों का मतलब हालचाल बिगड़ा हुआ है तो आप वहीं पर उनको शूट कर सकते हैं। और भी लोग हैं उस तरफ भी हैं, मैंने उनसे पूरा प्रयास किया कि मैं बात करूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि लोग डर रहे थे, और आप उस तरीके से भी कहिए कि जब पुलिस का डंडा पड़ता है, जब कार्रवाई होती है तो लोग डरते ही हैं। अभी इन लोगों को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है इलाके में, और इनको चिन्हित भी किया जा रहा है, जिस जिसने पत्थर फेंका, जिस जिसने पेट्रोल फेंका, पेट्रोल बम फेंका, तो उनको चिन्हित करके उनको कार्रवाई भी उनके ऊपर ताबड़तोड़ किया जा रहा है। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पुलिस पर जो हमला हुआ, जो पत्थरबाजी हुई उस साइड पे थी आज राजधर्मा न्यूज वाले, और बात करी वहाँ पे जो झुग्गी वाले आम लोग हैं, और वहीं से ही उन पर पत्थरबाजी की गई, और बहुत सारे जो पुलिस वाले सुनने में हैं कि वो घायल हुए, पेट्रोल बम फेंके गए, और ये सारी देखिए जब ये मामला हो रहा होता है तब सब सोए हुए पड़े होते हैं कि कल को जब एक्शन होगा तो फिर वो क्या कहते हैं कि गेहूं के साथ घन भी पीसा जाता है, तो वो जब पीसा गया है तो फिर ये कोई जो उस दंगों में था या कोई नहीं भी था वो भी साथ में हम मरेगा। अब इनकी जगह को खाली कराया जाएगा, यहाँ पे अगर बलडोजर चलेंगे फिर काहे का गरीब और काहे की दुखाई। अगर उस वक्त हो रहा है तो तब जाके कानून वाले अदारों को क्यों नहीं लोग बताते कि यहाँ पे ये अहतमाम हो रहा है, यहाँ पे पत्थर स्टॉक किए जा रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल बम की व्यवस्था हो रही है, यहाँ पे पुलिस वालों पर पथराव किया जाएगा, तो तब अगर कहीं यहाँ के बड़े जाकर अपने बचाव के लिए, ये भी कानून के लिए नहीं, कम से कम अपने बचाव के लिए तो जाके कानून को बता सकते हैं ना कि ये सब हो रहा है, तो वो बहुत सारे लोगों को घर टूटने से बचा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सारे के सारे उसमें शामिल होते हैं और पूरा इंजॉय करते हैं, और इनकी औरतें बिल्कुल, मैं यहाँ पे भी जितने झुग्गी वाले होते हैं, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे हमारे इलाकों में डकैतियाँ होती हैं उन सब में मुलव्वस वो लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ना उनका कोई घर ना कोई ठिकाना, वो बैठे ऐसे होते हैं जैसे इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी झुग्गियों के अंदर जाकर देखें तो ऐसी ऐसी उनकी आराइश होती है कि बंदा देख कर हैरान रह जाता है कि यार ये हम लोगों से अच्छी लाइफ तो ये झुग्गी में बैठ के ये लोग पता नहीं कैसे कहां से कर लेते हैं ये सारा कुछ, और फिर कहते हैं मांग तांग के खाते हैं, लेकिन मांग तांग के नहीं, फिर साथ में वो रातों को उनकी औरतें जाती हैं घरों में, देखती हैं कि किस घर में मर्द काम है औरतें काम है, और पूरी वो करके वहां पे डकैतियां करवाती हैं। मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, और वहां पे देखिए ये कितनी तेज तरार औरतें लग रही थी, अल्लाह की बनाई है, लेकिन जब आप उठाया जाएगा इन बस्तियों को तो फिर रोएंगे कि मारे गए, हाय छाती पीटेंगे फिर भाई। 55 इंच की LCD, एयर कूलर, सोलर प्लेटें, ये इनकी झुग्गियों में लगी होती हैं, और दूसरा ये दिन को मांगने के लिए जाते हैं, आटा मांगते हैं, रोटी मांगते हैं घरों में, और ये बाहर से ये हिसाब लगा लेती हैं ये इस घर में कितना माल होगा, कितने आदमी होंगे, कि क्या क्या हिसाब किताब होगा,
फिर रात को यही वो लोग हैं जो डकैतियां करवाते हैं, चोरियां करवाते हैं। और ये देखें कि ये अब चीज है कि अब वो जगह है सरकारी, रेलवे की जगह है, और पता नहीं कितने सालों से वो वहां पे बैठे हुए हैं। और अब अगर रेलवे वो जगह खाली करवाना चाह रही है तो वो पुलिस पे पथराव कर रहे हैं कि हाँ आपको कैसे जरूरत हुई कि आप आके हमें उठाओ यहाँ से, हम तो इतनी नस्लों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारी झोपड़ियां यहाँ पे हैं। लेकिन ये चीज देखिए कि वो सरकारी जगह, आप ये पूरा तरीके से मुतालबा करें गवर्नमेंट से कि भाई हमारी झुग्गियां यहाँ से हटानी है तो हमें कहीं पे मकान की व्यवस्था दें। हालांकि मोदी जी ने कितने झोंपड़ी वालों को जो है मकान बना के दिए हैं उन्होंने, और बिजली दी है, पानी दिया है, सिलेंडर दिए हैं, क्या क्या उनको सहूलतें दी हैं, क्या ये नहीं ले सकते, क्या ये इंडिया में नहीं रह रहे। लेकिन बात वो है कि मैं ना मानू वाली बात है। बस यही चीजें हैं, देखिए कि बाबर भाई आप उस तस्वीर का दूसरा रुख देख रहे हैं, तो ये चीजें आप मोदी सरकार को नजर नहीं आ रही। वो लोगों जो बेघर लोग हैं उनको घर दे रहे हैं, तो वो जो 40 सालों से वहां में बैठे हुए उनको घर बनाकर नहीं दे सकते। अब वहां पे एमएलए एमपीए जो है ना वो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं, वो मिली भगत के साथ सारा कुछ कर सकते हैं। अगर वो झोंपड़ियों वाले वहां पे बैठे हुए हैं इतने सालों से, अगर वहां पे उनको जो है ना मकान बना के दे दिए जाए तो इसमें भाई वो पूरा एरिया जो है झोंपड़ बस्ती है। लेकिन बात यह है कि ये देखिए कि झोंपड़ बस्ती है, कोई और मकान नहीं, कोई रहायशी नहीं है, पक्के मकान जैसे पक्के मकान बने हुए हैं, लेकिन वो है सारे झोंपड़ बस्ती, वो झोंपड़ी वाले सारे नहीं है, रेलवे की जमीन है वहां पे। आप देखिए जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो अब्दुल्ला बोल वाला हुआ था, जाल वाला हुआ था, ठीक है, तो आप देखिए वो सालों से लोग वहां पे बैठे हुए थे, मकान बने हुए थे, दुकानें थी उनकी, वो सारी अब गवर्नमेंट ने। लेकिन बात यह है ना कि झोपड़ी वालों ने जो है वो पथराव किया है ना वो, तो भाई जब आप किसी का घर गिराओगे तो वो आगे से क्या आपके ऊपर फूल बरसाएगा भाई। अब आप आपकी उस उनकी जगह पे अगर आप या मैं हूँ, मैं वहां पे सालों से रह रहा हूँ झोंपड़ियों में, ठीक है, तो आप जा पे आना वो गवर्नमेंट भाई तुम्हारा घर भी सरकारी जमीन पे है, घर गिराने आएंगे तो तुम उनको पत्थर मारोगे, नहीं तुम कुछ भी नहीं उनका कर सकते। सिर्फ यही है कि टाइम से अपने मकान को खाली करके अपनी किसी अपना मलबा उठा लो, मलबा उठा के कहीं पे बंदोबस्त कर लो जी। अब देखिए मैं सरकारी पास कोई चारा नहीं है, मैं सरकारी जमीन पे हूँ, तो वहां पे गवर्नमेंट जो है ना उसने वहां पे मीटर लगा कर दे दिया, गैस का भी बिजली का भी हर चीज की सुविधाएं वहां पे दे दी, तो उस वक्त उसको नजर नहीं आ रहा था कि भाई ये सरकारी जमीन है। वो उस टाइम ये नहीं पूछते, मेरी ये मैटर नहीं होता, जो टाइम ये नहीं पूछते कि भाई तुम्हें बिजली मिल रही थी, गैस मिल रहा भाई, हमारी जगह रेलवे की है, जगह है उनको चाहिए तो वो उसी टाइम खाली करवा सकते हैं। वो तो वाली मिसाल दे रहे हो, तो वो सरकारी जमीन भी थी, एक दिन का नोटिस है, एक हफ्ते के अंदर अंदर खाली और सब मलिया बेट कर दिया उन्होंने हर चीज को, फिर वहां पे मार्केट बनी हुई तो बनी रहे या बनती रहे देखें, फिर आप उसको जायज कब्जा कह लें। गवर्नमेंट का काम होता है आवाम को सुविधा देना, ये है कि हमारी उल्टी सोच है, हमारा उल्टा दिमाग है, हमने उस चीज एक सीधी सीधी बात है कि सरकारी जमीन पे कोई भी बंदा जितनी मर्जी सारी उम्र बीत जाए या दो नस्लें तैयार हो जाए, लेकिन जब सरकार चाहे उस जगह को ले सकती है। अब देखिए सरकार की जमीन तो सारी है, पूरी की पूरी पाकिस्तान सरकार का है या हिंदुस्तान है, वो सारे का सारा सरकार का है, तो जब सरकार जो है ना बाकी सुविधाएं कर रही है उनके लिए जो है ना यहाँ पे वो भी दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, तो चीजें यही है, कहीं ना कहीं जो है ना वो हमारे सिस्टम में भी है प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप देखें हमारी आवाम जो है उसको थोड़ा सा वो पांव रखने की जगह मिले तो लेटना वो खुद लेट जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, तो यही चीजें हैं कि जब हम उनको कोई सारी चीजें करेंगे, उनको अवेयरनेस देंगे सारी चीजें, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की तरफ आ जाएंगे। मैं कहने का मकसद मेरा यही है कि वहां पे आप देखिए मकान बने हुए हैं लोगों के, वो सालों से रह रहे हैं, उनके मौकफ की बात कर रहा हूँ, और देखिए गवर्नमेंट की जमीन है, चाहे वो रजिस्ट्री वाली है या नहीं है, वो सरकारी किसी भी अदारे की जमीन है, जैसे रेलवे की जमीन है, तो वो जब चाहे जहां से चाहे वो उसको खाली करवा सकते हैं, लेकिन चीज ये है कि वहां पे वो अब जाएंगे कहाँ पे, अब वो वहां पे तो झोंपड़ी आते झोंपड़ी लगा के बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने वहां पे मकान बना लिए हैं, तो जब गवर्नमेंट उनके लिए सारा कुछ कर रही है
तो वहां पे जो है ना वहीं पे उनको बना के फ्लैट को दे दे, उससे भी उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करनी है वो करते रहेंगे और ये विवाद जो है ना वो होते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों के ऊपर हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। इनका ये पूरा ये चीजें बच्चे औरतें सारे इनकी जो झुग्गी के वासी होते हैं जो इसी तरीके से आ जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं। और देखिए कि पेट्रोल पंप जैसी चीजें वो कह रहे हैं वहां पे आ रहे थे, पत्थरबाजी तो चलो है, पत्थर तो मारते ही हैं, पेट्रोल पंप भी आते रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले भी वहां पे घायल हुए हैं, वो 6-7 लोग भी वहां पे मारे गए हैं यहाँ पे। तो चीजें यही है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी कोई झोल होता है। अब देखिए इतने सालों से, अब वो बाबा जी कह रहे थे कि 40 सालों से अब हमें यहाँ पे हो गए हैं, हमारी जो तीन तीन दो दो नस्लें यहाँ पे पैदा हो चुकी हैं, तो वहां पे जब आप आग उनको उठाते हो एकदम से तो फिर वो एहतजाज ही करते हैं। तो इन चीजों का जो है ना वो उनसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, उनसे बातचीत की जा सकती है। वहां कहीं पे और जगह जो है ना सरकारी जो खाली कई जगह पे पड़ी हुई होंगे, यहाँ से उठ के वहां पे आप जाके बैठ जाएं तो ये भी हो सकता है। लेकिन जब आप जबरदस्ती करोगे तो फिर आगे से उन्होंने रिटेलिएट तो करना है। मेरा मौकफ ये है, आगे वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो वहां के लोग ही जान सकते हैं। मेरा मकसद जो है ना अपनी नजरिए के मुताबिक मैं यही कह रहा हूँ कि बाकी गरीब लोगों को, इतने लोगों को मोदी जी ने घर बनाकर दिए तो इनको भी दे दें, उनकी इनको भी घर दे दें। आपकी जो पूरी की पूरी 9 साल की कारकर्दगी है वो हम 0.0 करते हैं, आप इनको पहले घर बना कर दें और फिर हम कहेंगे कि वाकई में मोदी साहब ने बाकियों को घर दिए, इन लोगों को घर क्यों नहीं दिया। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।